देहरादून में आयोजित सीएम की जनसुनवाई कार्यक्रम में अचानक अव्यवस्था फैल गई। जनसुनवाई शुरू की ही हुई थी कि तभी आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक महिला शिकायत लेकर पहुंची। सीएम के ना सुनने पर कार्यक्रम में व्यवधान डालने लगी और पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता के हाथों से माइक छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सीएम खासे गुस्से में आ गए। सीएम ने तुरंत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सबके सामने डांटा और साफ कहा कि जनता को उनकी बात कहने दी जाए। वहीं सीएम ने साफ कहा कि अगर कार्यकर्ताओं की अधिकारी नहीं सुन रही है तो हमें बताएं, हम चारधाम यात्रा में भेज देंगे, जहां हमें काम करने के लिए काबिल अधिकारी की जरूरत है। उनको अपनी बात कह दो, ठीक है, जो कहना चाहते हैं जो कहना चाहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्यकर्ता की बात सुननी होगी, मगर कार्यकर्ताओं से भी मेरा ये कहता हूं, ये जो हमारी अकेला चलो वाली नीति है उसको जरा मिलकर के चलने वाली नीति में तो बदलो। सीएम के जनसुनवाई कार्यक्रम में हुए बवाल को लेकर बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा है। सुनवाई अच्छी बात है, उन्हें करते रहना चाहिए, लेकिन कम करते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते थे और करीब महीने में तीन बार चार बार लगाते थे, मुख्यमंत्री कम लगाते हैं। सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस को और मजबूत करने पर बल दिया। सीएम ने कहा कि 2017 की तैयारियों में कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना होगा, जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएं। कार्यकर्ताओं में भी अपनी समस्या सीएम के सामने रखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सीएम ने अभिनव पहल शुरू की है, वो पहले अपने आप में महत्वपूर्ण है और जनता इससे जुड़ रही है। कृपया वही बैठे जो पहले साथी यहाँ खड़े हैं, मंच के सामने मेरा सबसे करबल अनुरोध है, कृपया कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए सीएम हरीश रावत। और 2017 का जो मिशन है उसको लेकर भी चर्चा की गई कि मिशन 2017 से पहले जो जनता है उसको सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराया जाए, उनके बीच जाया जाए, उनसे कनेक्ट हुआ जाए। इसके साथ साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपनी समस्या को सीएम के आगे रखा। आपको बता दें कि लगातार सीएम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से सीधे मुखातिब होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अगर संभव होता है तो मौके पर ही उसका निपटारा भी कर देते हैं। तो इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए हैं सीएम हरीश रावत और उनसे भी मुलाकात की और उनकी भी समस्याओं को जाना, साथ ही साथ सरकार की नीति है उनके बारे में भी बताया और बताया कि किस तरीके से प्रचार प्रसार कर अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। तो 2017 की तैयारियों में जुट जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से सीएम अखिलेश यादव ने कहा, जनता तक उपलब्धियां पहुंचाने की बात भी कही। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी अपनी समस्या सीएम हरीश रावत के आगे रखी। तो मिशन 2017 की तैयारियों को जुटने के निर्देश उस मुलाकात में दिए गए। कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए हैं सीएम हरीश रावत और इसी दौरान ये सब कुछ बातें हुई, जहां मिशन 2017 को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी अपनी समस्याओं को रखा सीएम हरीश रावत के आगे। इसके साथ साथ जनसुनवाई भी की गई, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। 2017 और तैयारी जो है, तैयारी तो जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन शुरू हो जाती है। देवभूमि की जनता ने जो आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है, सही ढंग से हम उस काम को कर सके, हम वो काम कर रहे हैं, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे।
और देहरादून में चैंपियन पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। कुंवर प्रणव चैंपियन पर पुलिस सख्त हो गई है। अफसरों को अपनी व्यथा चैंपियन सुना रहे हैं। डीजीपी सिद्धू से भी करीब एक घंटे मुलाकात की और बात बात पर फायरिंग करना चैंपियन की आदत में शुमार हो गया है। चैंपियन के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं कुंवर प्रणव सिंह। अब जिस पर जो पुलिस है वो सख्त हो गई है, पुलिस का शिकंजा कसने लगा है अब चैंपियन पर। चैंपियन बात बात पर फायरिंग करते हैं जिस बात से हमेशा विवादों में रहते हैं और अब पुलिस सख्त हो गई है। डीजीपी सिद्धू से भी चैंपियन ने करीब डेढ़ घंटे तक मुलाकात की है और पुलिस भी अब सख्त नजर आ रही है। एक दर्जन से मुकदमे दर्ज हैं चैंपियन पर, फायरिंग के मुकदमे दर्ज हैं। तो और बता दें आपको कि कुंवर प्रणव चैंपियन पर पुलिस जो है वो अब सख्त हो गई है। अफसरों को अपनी व्यथा सुनाने में लगे हैं चैंपियन। जहां डीजीपी सिद्धू से भी करीब एक घंटे तक मुलाकात उन्होंने की है। आपको बता दें कि बात बात पर फायरिंग करना चैंपियन की आदत में शुमार है और इसी के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं। रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन, जिन पर बात बात पर फायरिंग करने के आरोप है और मुकदमे भी कई उन पर दर्ज हैं। चैंपियन पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव चैंपियन जो हैं बात बात पर फायरिंग करते हैं और इसी फायरिंग को लेकर मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं। सुर्खियों में वो रहते हैं और अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं अपनी व्यथा भी चैंपियन अफसरों को सुना रहे हैं। जहां डीजीपी सिद्धू से उन्होंने एक घंटे मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश की, लेकिन वही पुलिस सख्त नजर आ रही है चैंपियन पर। एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है चैंपियन पर। आपको बता दें रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है कुंवर प्रणव चैंपियन को। उत्तराखंड में चल रहे डिजिटल इंडिया वीक का समापन किया गया। आईटी सचिव दीपक गौराला ने समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने साफ कहा कि प्रदेश में आईटी के उपयोग से फाइलों के निपटारे को आसान किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रदेश भर में जाल फैलाया जाए और देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इसकी तेजी से की जाएगी। वहीं इसके अलावा प्रदेश में वाटर बोनस को लेकर भी मुख्य सचिव ने बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वाटर बोनस पर जल्द ही रूपरेखा बनाई जाएगी। राज्य सरकार की ई एप्लीकेशन, केंद्र सरकार की ई एप्लीकेशन, इन दोनों को किस प्रकार से हम अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बैकबोन के माध्यम से ग्राम पंचायत तक पहुंचा सकते हैं। राज्य सरकार के आईटी विभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए ई एप्लीकेशन के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो प्रदेश भर के जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर या देवभूमि जनाधार केंद्र बने हैं, वहाँ पर हम ई सेवाएं को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। मसूरी के बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि रावत सरकार को घोटाले की सरकार उन्होंने बताया और कांग्रेस पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ बड़े अधिकारियों को पहुंचाया गया है। उनका कहना है कि करीब 5000 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य बीमा करवाया, जिसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था, वो अधिकारियों को मिला, जिससे सरकार को करीब 25 करोड़ रुपए का चूना लगा। बीजेपी विधायक ने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, स्वतंत्र बिहार ये सरकार कर रही है, कम से कम 25 करोड़ का घोटाला जो सरकार ने किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिसमें जो दोषी पाए जाए उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि आज जनता को भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर जनता को ठगने का काम सरकार ने किया है और ऐसे लोग, क्योंकि उसमें जो श्रेणी बनाई है कि वो बीपीएल कार्डधारक होना चाहिए, वो पेंशन प्राप्त करता नहीं होना चाहिए, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और आज मैंने पूरे साक्ष्यों के साथ उपदल के एमडी है ब्रिगेडियर भवना, जिनकी तनख्वाही 1.5 लाख रुपए होगी, इनकी वाइफ भी एक अधिकारी है, उसका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा कर दिया, ऐसे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। रुड़की आईआईटी में जल्द ही रेल परियोजनाओं पर शोध के रिसर्च सेंटर की स्थापना होने वाली है। इस सेंटर की खास बात यह है कि इसमें रेलवे के इंजीनियर और आईआईटी के विभिन्न शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।
हालांकि आईआईटी में इससे पहले भी कई शोध परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके चलते रेल परियोजनाओं पर साझा शोध के लिए 2014 में यूके की साउथम्पटन यूनिवर्सिटी के साथ ही एमओयू साइन हो चुका है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही रेल मंत्रालय के सहयोग से देश में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। और जो उसके ऊपर जो होता है 250 के ऊपर जो होता है उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर चाहिए। ओके, नाउ वो डेडिकेटेड कॉरिडोर इंडिया में कैसे बनेंगे, कहाँ क्या उसका स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, ये सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ओके, प्रदेश में विधानसभा सीटों के साथ साथ विधायकों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उठने लगी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब सियासी गुणा भाग करके प्रदेश के बुनियादी सवाल हल हो जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। कठिन है पर्वतीय क्षेत्र की, तो भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके एक तो सीटों का निर्धारण होना चाहिए और उनको विधानसभा में 101 सीटें कम से कम और लोकसभा में कम से कम 11 सीटें कम से कम होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय चाहते हैं कि प्रदेश में विधानसभा की 101 सीट हो। वे कहते हैं इससे प्रदेश की जनता का लाभ होगा और प्रदेश का विकास होता नजर आएगा। किशोर का विधानसभा सीटों को बढ़ाने का तर्क यह है कि स्थिर सरकारों के लिए ज्यादा विधायकों की जरूरत है, इससे ब्लैकमेलिंग कम होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले 15 सालों में राज्य ने 210 विधायक, 7 मुख्यमंत्री, 50 से ज्यादा मंत्री, 24 सांसद और सैकड़ों दर्जाधारी देख लिए, जिन्हें प्रदेश के विकास के लिए कुर्सी तो दी गई, लेकिन इन माननीयों ने सूबे की तरक्की में क्या योगदान दिया है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे खांटी राजनेता भी राज्य में 80 से 85 चुनाव क्षेत्र बनाए जाने की हिमायत कर रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश का विकास ठीक नहीं हो सका और प्रदेश में नेताओं की भरमार हो गई है और जो प्रधान नहीं बन सकता था वो विधायक बन गया है। लेकिन लगता है नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दबाव के चलते मुख्यमंत्री को भी अपनी धारणा को बदलना पड़ रहा है। विधानसभा की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इनिशियली भी जब हमने ये कंप्लेंट लॉन्च किया था, पहले 60 बना रही थी गवर्नमेंट, तो हम अडवाणी जी को के पास प्रस्ताव लेकर के गए थे कि ये संख्या आप जो है 80 की करिए करके, तो उन्होंने 70 में वो एग्री हुए थे और मैं समझता हूँ कि इस संख्या को बढ़ा करके कहीं कहीं 80-85 के आसपास लाया जाना चाहिए। सब जो बात उन्होंने उठाई है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप में बहुत अच्छी बात उठाई है और जिसको पूरा करने का प्रयास यहाँ के राजनीतिक लोगों ने करना है। और विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर परिश्रमण होगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सीटें बढ़ेंगी। नेताओं को विधानसभा में सीटें बढ़ाने की तो चिंता है, लेकिन प्रदेश में रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने की इन्हें कोई चिंता नहीं है। वहीं सत्ता और विपक्ष में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उपाध्याय के इन बयानों से सहमत नहीं हैं। भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत तो साफ कहते हैं कि मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उपाध्याय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है मेरी समझ से परे है। प्रस्ताव राज्य सरकार भेज सकती है विधानसभा से पास करके, लेकिन अधिकार राज्य सरकार का वो नहीं है। किशोर उपाध्याय तो अखबारों में छपने के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। किशोर उपाध्याय जी की दिल्ली में भी वर्षों तक सरकार रही है और वो भी सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इस तरह की वो बयानबाजी करने की उनको आदत है। प्रदेश में विधानसभा की सीटों को बढ़ाने के किशोर उपाध्याय के बयान पर अब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनका समर्थन कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश में विधानसभा या विधायकों की संख्या बढ़ाने से प्रदेश के बुनियादी सवाल हल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पिछले 15 सालों में तो नहीं हुआ है। 22 से 70 हो गई विधानसभा,
और अगर विधायकों व विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने से ही विकास हो रहा होता तो इन 70 सीटों में तो विकास की गंगा ही बह गई होती। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। मुख्यमंत्री हरीश रावत की पहल पर उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के फैलाव को रोकने की कवायद शुरू हुई है, जिसकी वजह यह है कि चीड़ अपने आसपास जंगल में अन्य प्रजाति के पेड़ों को नहीं पनपने देता। इस साइड इफेक्ट के मद्देनजर उत्तराखंड का वन विभाग जंगल को चीड़ मुक्त करने की सोच रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने बात रखी थी, जिसके बाद वन पर्यावरण मंत्री दिनेश अग्रवाल ने विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। अग्रवाल का कहना है कि वन महकमा एक पैच को चीड़ मुक्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव तैयार कर उसे केंद्र को भेजेगा। गौरतलब है कि चीड़ भारत समेत अन्य देशों के ठंडे प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। दुनिया भर में पाइन ट्री की करीब 115 प्रजातियां हैं और ये 3 से 80 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी बेहद कम उम्र के छोटे पौधों में निचली शाखाएं दूर तक और ऊपरी शाखाएं कम फैलती हैं। उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश ने चीड़ मुक्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री से उसे हरी झंडी नहीं मिली और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। चीड़ के को डीपाइन करना, उसके जो पाइन ट्रीज हैं उनको हमने धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया निर्धारित की थी और ये काम निश्चित रूप से आवश्यक है। यहाँ के दृष्टिकोण से ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि पाइन की वजह से हमारी पीएच जो जमीन का है वो उसका बैलेंस खराब हो रहा है। पहाड़ के जंगलों में जहाँ कहीं भी चीड़ होता है वहाँ दूर दूर तक अन्य प्रजातियों के पेड़ नजर नहीं आते हैं। सवाल सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन को बंजर बनाने में भी चीड़ की बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ उसका पिरूल भी जंगलों में आग लगाने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि राज्य सरकार अब प्रयोग के तौर पर चीड़मुक्त जंगल बनाने की सोच रही है। अब यह देखना है कि केंद्र से इसको हरी झंडी मिलेगी या फिर नहीं। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी तो बढ़ाई ही साथ ही उनकी चिंता भी बढ़ा दी है। ग्रामीण खौफजदा हैं। जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए सचेत है। जिलाधिकारी ने जनपद के रुड़की और लक्सर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही गंगा किनारे बसे लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, साथ ही बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा का जो तटीय इलाका है वहाँ पे जल प्लावन होने के कारण गांव डूब जाते हैं और 3-4 दिन जलभराव की समस्या रहती है। उसी संबंध में ग्रामीणों को आगाह किया गया है कि सतर्कता बनाए रखें और ऐसी स्थिति होने पर सुरक्षित स्थानों पर पूर्व जाने की तैयारी रखें।